कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। संग कैसा हमको करना चाहिए, क्योंकि संग के आधार पर हमारा बहुत आधार है। जैसा संग होगा वैसा ही जीवन भी बनेगा। इंग्लिश में भी बहुत कहावतें हैं, कंपनी मेक्स अ मैन, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप, ऐसे कहते हैं। आप कैसे हैं वो कैसे पता चले, आप किस संग में रहते हैं, किस संग में घूमते हैं, कौन सा आपका संग है। तो आज की सारी मुरली है संग पर। तो एक तो संग का दोष चढ़ता है और दूसरा किसका दोष चढ़ता है, अन्न का। तो संग दोष अन्न दोष, बाबा कहते इससे बचो। आज बाबा ने बहुत सावधान किया है, संग दोष और अन्न दोष से बचो। किसका संग करना है और कौन सा अन्न खाना है। संग में बहुत कुछ बातें आती है, सिनेमा भी संग ही है। तो सिनेमा के लिए बाबा क्या कहते हैं, सिन की माँ। बाबा बायोस्कोप यूज करते हैं, पहले जमाने में बायोस्कोप हुआ करते थे। तो सिनेमा माना सिन की माँ, पाप की माँ है। बहुत बचना इनसे, बहुत बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो बुद्धि को अगर हमें श्रेष्ठ बनाना है तो इन सब बातों से बचो। और दूसरा बाबा ने सावधान किया है, मेरा 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 मत कहो। अगर मेरा मेरा कहा, चाहे किसके लिए भी, चाहे धन के लिए, चाहे व्यक्ति के लिए, चाहे कोई वस्तु के लिए, कोई वैभव के लिए, मेरा कहा तो अंत में वो याद आएगा, वो याद आएगा। क्योंकि मेरा है ना, तो जो चीज मेरी होती है वो याद बहुत आती है, दूसरे की है तो क्यों याद आएगी, पर मेरा है तो बाबा ने कहा अंत में यही धोखा देगा। इसीलिए मेरा मेरा कहना छोड़ो। तभी तो बाबा कहते हैं मेरा कहना है तो क्या कहो, मेरा बाबा। मैं कहने की बजाय मैं आत्मा। तो आज बाबा ने मेरा मेरा हमारा 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 में भी मेरा ही आ जाता है ना। हमारा अगर है तो सब कुछ है, कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं है। और बाबा का सो मेरा, मेरा सो बाबा का। और दूसरा बाबा ने कहा है सेवा करो, सेवा सेवा सेवा। बुद्धि में और कुछ न हो, सेवा। जो भी समय मिले सेवा करो, धन है सेवा करो, और व्यर्थ नहीं गवाओ, एक पाई भी व्यर्थ न जाए। हमारी दादी जानकी जी बहुत इसके अनुभव सुनाते, कितनी इकोनॉमिकल है दादी जानकी, एक पाई भी वेस्ट नहीं जाए, इस पर दादी कितनी बातें सुनाती है। तो आज भी बाबा ने
इकोनॉमी, इस पर भी जोर दिया है। आज 5/5/15 है। मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। बहुत कुछ है इसमें। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उछल आते नहीं, करूं ये करूं तो कौन सी आनी चाहिए, कौन सी उछल? जी गांव गांव में सेवा करने की। फरीदाबाद वाले जाते हैं गांव गांव में सेवा करने, जो जाते हैं हाथ उठाओ, भट्टी में जो आई है, बस 2-3-4 माताएं भी जाती है, बहनें जाती है, बहुत अच्छा। आसपास तो बहुत गांव है, कितने गांव होंगे। तो बाबा कहते हैं उछल आनी चाहिए। अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर के सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सेवार्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लू आजाद करो। ये पल्लू होता है ना, हाँ, कहीं ऐसे पीछे की तरफ है, हवा में उड़ता है तो कहीं फंस जाएगा। तो फंस गया पल्लू तो आगे की बजाय पीछे फटेंगे। तो ये पल्लू जो है ना, बाबा कहते इसको आजाद करो। इसको कैसे आजाद करो? कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। क्योंकि पल्लू कहाँ अटका तो क्या होगा, वही रुक जाएंगे या पीछे ही हटेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। तो वैराग्य दिलाने का कौन सा गीत होगा? इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, चित चैन जहां मिले ले चल तू वहीं ले चल। आत्मा बाबा को कहती है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहां चित चैन मिले। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। अभी यहां दुख है तब पुकारते हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं हैं कि कहां ले चलो, वहां ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये तुमको कौन सुना रहा है? ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुना रहा है ये बातें। ये खुद भी कहता है बाबा, ब्रह्मा बाबा, मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ता था, बाकी अभी शिव बाबा कहते हैं बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, शिव बाबा कह रहा है। और ये भी सुनता है, अभी ये है पाप आत्माओं की दुनिया, पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि ये हो करके गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, उनकी शिव की भी पूजा करके आ जाएंगे।
तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान शिव है। अब वो शिव वहां तो बस पूजा की और वापस आ गए घर, और क्या करेंगे? और यहाँ वो तुम्हारा शिव भगवान कौन? तुम्हारा इस समय मोस्ट ओबीडियंट बाप, टीचर और ओबीडियंट प्रिसेप्टर बनाए गुरु, मोस्ट ओबीडियंट बाप, टीचर, गुरु बनाए। तो इसीलिए से नहीं पूजा करके आ गए? नहीं, साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर न सके। सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। चलो कोई कहे हाँ मैं गारंटी करता हूं तुमको ले जाऊंगा, समझो कोई कहे कि भी गुरु, लेकिन ऐसा ही दुनिया को ले जाएगा क्या? नहीं। सो भी वो कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। वहां तो भूल जाते हैं, घर में गए पूजा उजा करके जो कुछ है घर गए सब वैसे के वैसे बाबा के, तो यहां तुम भूल जाएंगे। आई यहां तो बहुत खुश है, फिर घर गए बाबा कई बार कहते सोडा वाटर हो जाता है। यहां से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे, यहां सम्मुख सुनने से मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो। कौन सी गफलत हो जाती है? कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे ज्ञान में आने से पहले, क्या क्या किया, क्या पाप किए, सब जानते हैं बच्चे। अब हम ये देवता बनते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहां मकान आदि की क्या परवाह रखनी है? मकान बनाते जाएं बनाते जाएं, बाबा कहते कितने मकानों में रहेंगे, एक ही मकान बहुत है ना, कितने चाहिए? इस दुनिया का जो कुछ है वो भूलना है, नहीं तो क्या होगा? वो रुकावट डालेंगे, वो बातें रुकावट डालेंगे, भूलने नहीं देंगे। इसमें दिल लगता नहीं, हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे, ये सोचो। अपने नई दुनिया में हम हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे, शौक होता है ना मकान सजाने का, तो बाबा कहते अभी वो नई दुनिया में सजाना है, यहाँ क्या सजाएंगे? यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होंगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वो पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। अब ये तो सब यहाँ खत्म हो जानी है, हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे, इससे क्या दिल लगानी है? वहां बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन, ये तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है, पर छूटने का मतलब ये नहीं भाग जाना है, कहां जाएंगे वापस, भी तो है ही तो यही ना, कोई कहीं जंगल में जाएंगे, जंगल भी कटते जा रहे हैं, कहां जाएंगे, इसलिए रहना यही है। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है, पुरानी दुनिया से पल्लू आजाद कराते हैं, इसलिए बाप कहते हैं कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, कितना चाहिए पेट को? फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है, आपके घर में इतनी चीजें होंगी और कितनी तो ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी यूज भी नहीं किए, सालों साल पड़ी है यूज भी नहीं किए, और आप कभी कबर्ड खोल के देखते, अरे ये भी चीज मेरे पास है क्या, पता ही नहीं थी, कभी यूज ही नहीं किए, ऐसे होता है। फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है,
तुम बच्चों को सर्विस करने लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव गांव में सर्विस करने का शौक है, बाकी जिसको सर्विस का शौक ही नहीं, बाबा ने क्या कहा होगा उनके लिए, उन्हें किस काम का कहेंगे, वो कोई काम के नहीं अगर सर्विस करने का शौक ही नहीं है। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है, बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो, ये परिचय दो सबको। तो बच्चों को शौक होता है, हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। ये तो बाप का परिचय सबको देना है, बाप एक ही है ये भी सबको बताना है। भारत में आया था, जब आया था भारत में तो भारत को क्या बनाया था, भारत में देवताओं का राज्य था, देवताओं का राज्य बनाया भगवान ने जब भारत में आया था। ये कल की तो बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य हुआ, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। हाँ, अभी बाबा क्या कहते हैं, दुनिया से कैसे तोड़ तो निभाना है ना सबसे, ऐसे नहीं कि तोड़ नहीं निभाना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है, जोड़ना भी नया कुछ नहीं है, बाकी निभाना है। तो पर कैसे निभाना है, तो बाबा कहते हैं एक होता है रियल लव, रियल बहुत बहुत प्यार किसी से, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। ऊपर ऊपर से प्यार तो है लेकिन ठीक है प्यार है, अब रियल लव किसके साथ होना चाहिए, रियल लव बाप से तब हो, कब होगा, जब अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा का ही संबंध परमात्मा के साथ है। अगर देह अभिमान में होंगे तो बाबा से रियल लव हो ही नहीं सकता है। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, तोड़ तो निभाना है ना सबसे, ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। कोई कहे सर्विस पर जाए, सर्विस पर जाए फिर कमाएगा कौन, बाबा कहते भूख नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है, ईश्वरीय मिशन है, सेवा करते रहते हैं। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते, हाँ धर्म तो बढ़ गया उसकी मत पर चलते चलते, पर आखिर क्या हुआ, पर थोड़ी चढ़े क्या हुआ, गिरते ही आए। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अब बाप ने आकर के सुजाग किया है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, गिरना ही था, इसीलिए क्यों गिरे सोचो नहीं, गिरना ही था। तुम्हारा भी दोष नहीं, रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। तो बाप कहते हैं अब मैं आया हूं पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो, मैं और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूं। एक तो हाँ तकलीफ थोड़ी क्या है, एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें न खाओ। आजकल तो पता नहीं वैसे भी कितनी मिलावट है क्या क्या है, बाबा कहते हैं गंदी चीजें छीछी गंदी चीजें नहीं खाओ। और दूसरी तकलीफ क्या देता हूं,
मामी कम याद करो। ये तकलीफ है क्या? अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। याद में रह के किसको समझाओ। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। साथी बना करके जाओ, अकेले अकेले नहीं, साथी बनाओ, संगठन बना के जाओ। माताओं को भी निकलना चाहिए। सुना माताएं, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो फिर हमको कौन सिखाएंगे, होगा ना। आप बहुत सेवा करके जाए, आप कहेंगे अभी वापस जाना है, वो कहेंगे अरे आप इतना हमको सिखाया, अभी वापस चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। शुरू में ऐसे ही हुआ। मनोहर दादी अपना अनुभव सुनाती है, जब बाबा ने उनको सेवा पर भेजा पहले 1952 में दिल्ली का निमंत्रण मिला मनोहर दादी को लौकिक का। उन्होंने कहा आप आकर के हमको समझाओ, इतना 14 साल आपने तपस्या की है तो हमें भी कुछ दो। तो गई वहां, तो घर में जैसे ही गई, उनके घर वालों को मनोहर दादी से देवी का साक्षात्कार हुआ। वो ओम की ध्वनि करती थी, बहुत करती थी। तो जैसे उसने की तो देवी का साक्षात्कार हुआ, तो अनेक भक्त भी आने लगे, अरे देवी आई है, देवी आई है इनके घर में। तो मंदिरों से निमंत्रण मिला, फिर मंदिरों में वो जाकर के भाषण करती थी, तो वहां भी उनको साक्षात्कार होने लगा। भक्तों को भीड़ बढ़ गई, बढ़ती गई। फिर जमुना किनारे पर जाकर के करती थी तो वहां तो बहुत भीड़ बढ़ गई। फिर एक मास पूरा करके कहते मैं वापस जाती हूँ। तो सबने कहा ऐसे कैसे जाओगे आप, इतना हमको अच्छा लगता है, रोज आप सुनाते हो हमको, तो कितनी शक्ति मिली है, आप छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। तो बाबा को इसने लिखा, दादी अपना अनुभव सुनाती थी, तो बाबा को लिखा। तो बाबा ने कहा बच्ची अगर वो कहते हैं ना कि आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा, उनको कहो कि देखो मैं तो अभी घर में रही पड़ी हूँ, अब वहां रह के कैसे सेवा करूंगी, अगर आप चाहते हो मैं रहूं यहाँ तो मकान लेकर के दो, हम अलग से रहेंगे और सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा मकान लेकर देना कौन सी बड़ी बात है, हम लेके देंगे। और पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला। और देखो तब से सारे विश्व में कैसे सेवाएं खुली। तो वही बाबा सेवाएं चली। तो बाबा बता रहे हैं, बोलो हम सर्विस के लिए तैयार हैं, मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं, बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है, ऐसे नहीं वहां गए बस कोई मेला हुआ और 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। वहां तो सेवा जमा के आनी है, सर्विस करनी है, फिर सेंटर खोल के आना, ऐसे नहीं कि यार पूरा हुआ। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। ये मेला तो चलता ही रहेगा। कौन सा मेला? आत्माओं और परमात्मा का मेला, ये तो चलता ही रहेगा। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वो तो अभी चल ही रहा है। मेला बंद तब होगा, आत्माओं और परमात्मा का मेला बंद कब होगा, जब सर्विस पूरी होगी, वापस घर जाना होगा। ड्रामा अनुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वो बच्चों की बुद्धि में भी है। ऊंच से ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनने आए हैं, बनते आए हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है। ये सेमिनार कैसे सेवा बढ़े, बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दुलेलाल बैठा है। कोई बाबा को कहते बाबा सर्विस पर जाते परंतु बाबा पैसे की तंगी है, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, बाबा बैठा है दुलेलाल, दुलेलाल हाँ बैठा है।
बाबा तुमको मदद करेगा, तुम ख्याल मत करो। धन की मदद बाबा देगा, यज्ञ देगा। का मकान बनाना होता है, वहाँ बहुत सेवा है, पर मकान के लिए मना धनराशि भी तो चाहिए। तो यज्ञ देता है, ऐसी बात नहीं है, मदद करता है। दादी जी तो बहुत ध्यान रखती थी, अभी दादी जानकी भी बहुत ध्यान रखती है, कहाँ मदद चाहिए तो यज्ञ से भी देते हैं अगर जरूरत है। पर वो खुद ही कहते नहीं बाबा, नहीं दादी, हम लोग मिलके करेंगे, यज्ञ से हम क्यों ले, यज्ञ में तो हमें देना है ना कि यज्ञ से लेना है। तो इसीलिए तो बाबा कहते कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दुल्हे लाल बैठा है, हुंडी सकारने वाला बैठा है। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात नहीं, नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात ये भी है, एक तो धन की चिंता नहीं करो, जहां सेवा है वहां बाबा बैठा है, अपने आप बाबा की भी मदद मिलेगी, अपने आप मददगार हो जाएंगे। दूसरी बात, जो करेगा सो पाएगा, दूसरे को नहीं देखो ये नहीं कर रहा है मैं क्यों करूं, जो करेगा सो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो, बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, बाबा ज्ञान से सीधा करते, और माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। पीठ दिला देना माना पेट होता है ना, पीठ से लग गया तो जैसे भूखा ही रह गया। बाबा इतना ज्ञान रतन देते, धन देते, फिर माया नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है, या पीठ कर लेते हैं, मुड़ जाते हैं, ऐसे भी हो। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए, बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बायोस्कोप सिनेमा आदि देखने की भी मना करते हैं। जिसको बायोस्कोप की आदत पड़ी, क्या होगा उसका, पिक्चर देखने की, फिल्में देखने की आदत पड़ी, वो पतित बनने बिगर रह नहीं सकेंगे। क्योंकि क्या है आज की सिनेमाओं में, काम और क्रोध, यही तो है, वो पतित बनने बिगर रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है, गंदी है दुनिया में। नाम ही है वैशालय, बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वैशालय को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं, पहले हम भी बंदर सदृश थे, इस पर रामायण में भी कहानी है। क्या कहानी, हनुमान की कहानी, था तो बंदर ना, लेकिन राम का भक्त जो था तो देखो कितने महान कार्य किए, इस पर रामायण में भी कहानी है। अब तुम बाप के मददगार बने हो, बंदर भगवान का मददगार बन गया, कोई कम बात है क्या। अभी तुम बाप के मददगार बने हो, तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर ये रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं, किसको दान नहीं करेंगे जो बाबा ज्ञान धन दे रहे हैं, किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। हमारी दादियां ऐसे करती थी, जानकी दादी अपना बहुत अनुभव सुनाती है। बाबा ने कहा तो उसके बाद दादी ने कहा जब तक मैं सेवा नहीं करूंगी तब तक मैं कुछ भी मुख में नहीं डालूंगी। हाँ, तो देखो दादी का नाश्ता पता है कितने बजे होता है, 11 बजे, तब तक सेवा 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 सेवा, लेकिन नहीं, पहले सेवा करने दो फिर नाश्ता बाद में। तो बाबा कहते हैं पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए, पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, अंत मति सो गति हो जाएंगे। तो किसी ने किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए।
तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। प्रातः काल की मुरली इतनी छोटी है, इसके बाद रात्रि क्लास भी उतना ही बड़ा है, सुनेंगे वो भी अच्छा। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये रात्रि क्लास 17-3-68 का है, 17-3-68। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बार रिहर्सल करो, पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। मूल एक बात पर, विशेष बाबा गीता के भगवान पर जोर देते, मूल एक बात पर ही तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होंगी ना, समझते रहेंगे, झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं, अक्सर करके लिखते हैं, बाबा को पत्र लिखते हैं बच्चे, बाबा हमने काम की चोट खाई। अब इसको कहा जाता है काम की चोट अगर खाई तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है की कमाई चट, जीरो हो जाएगा सब चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा, एकदम चट नहीं, पर काम की चमाट खाई तो एकदम चट। इसके लिए समझाना पड़ता है, काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हो, काम से हारे हार होती है, काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है और ही दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी, अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं तो सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया है। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही फिर मीठा भी बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए, बाबा को कौन से बच्चे चाहिए, बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वो दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावे। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, सबको इकट्ठा ही देते हैं, एक एक करके नहीं देते। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में आएंगे जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कोई तो रहेंगे भी, ऐसे नहीं सारे चले जाएंगे, कुछ तो रहेंगे जिनसे फिर देवताओं को जन्म देना है। कोई तो रहेंगे भी विनाश का साक्षात्कार करेंगे, ये सुहावना समय भी देखेंगे, ये सुहावना समय भी देखेंगे, विनाश का साक्षात्कार भी करेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है, ऐसे भी नहीं कि याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, सारा दिन बस योग में ही बैठो हो जाएगा काम, नहीं मकान मिल जाएगा, नहीं, वो तो ड्रामा में जो है वही होता है। आशा नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। बस योग में बैठ जाओ मकान मिलना होगा तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है ना। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नोंद है।
आगे चल, तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। उस दिन हमने क्लास में बताया था, बाबा की मुरली में था, आगे चल ये होगा, आगे चल ये होगा, तो एक लिस्ट निकल सकती है आगे चल क्या होगा, ये बाबा की मुरलियों में आता रहता है। तो किसी ने मुझे वो लिस्ट ला करके दी है, आगे चल ये देखेंगे, आगे चल ये होगा, आगे चल ये करेंगे, आगे चल, बड़ी अच्छी लिस्ट है, रात्रि क्लास में सुना देंगे, बाबा की मुरलियों से लिया है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है, मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है, चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है, इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, क्या वंडर लगता होगा, वंडर लगता होगा कि आधा कल्प भक्ति चलती है, जिस भक्ति में ज्ञान रिंचक भी नहीं, ज्ञान तो है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है, ये बाप कितना क्या है, बाबा ने शब्द यूज किया है, ये बाप कितना अनकॉमन है, अनकॉमन, कोई कॉमन साधारण बाप नहीं है, ये अनकॉमन है। इसलिए कोटों में को ही निकलते हैं, क्योंकि पहचानना मुश्किल है ना ऐसे बाप को, वो टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, ये तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूं। हाँ, न वो लौकिक बाप या टीचर या गुरु कहेगा मैं अनकॉमन हूं, पर ये तो कहेगा ना मैं अनकॉमन बाप टीचर गुरु हूं, ये तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूं, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को, अब ये अलग पॉइंट, भारत को मदर कंट्री कहते हैं, मदर कंट्री, मातृभूमि, जो भारतवासी है, हर एक देश अपने देशवासी अपने देश को मदर कंट्री कहेगा, तो पर भारत को मदर कंट्री कहते हैं, भारत माता, क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है, अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं, अम्बा मीठा अक्षर है। मम्मा मम्मा मम्मा, बच्चा बोलना शुरू कित करता है, सबसे पहला शब्द क्या बोलता है, मम्मा मम्मा, मम्मा मम्मा ऐसे ही करता है ना, तो मम्मा अम्बा ये बहुत मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब एक छोटा बच्चा कल देखा, पता नहीं कल देखा परसों, कुछ भी नहीं, बस खाली मम्मा 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 ही कर रहा है अभी यहीं, वो बच्चा बड़ा प्यारा बच्चा था, सारा दिन बस मम्मा 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 करता रहता है, तो उसको कुछ भी कहो मम्मा 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 बस और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी तो चाहिए ना, खाली अम्बा अकेले क्या करेगी, ये तो बच्ची है एडॉप्टेड, मम्मा अडॉप्टेड बच्ची है, इनका पति तो है नहीं, इनका पति कोई है, ये तो कुमारी है, इनका पति तो है नहीं, ये नई बात है ना, है माँ लेकिन पति कोई नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते होंगे, पिता है इनका, ये सभी बातें बाप ही आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं, कितना मेला लगता है अम्बा माँ पर, कितनी पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो, मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके, मम्मा भी कोर्स कराती थी, और जिनको कोर्स कराया होगा वो कभी वापस नहीं गए होंगे दुनिया में, आए मम्मा ने कोर्स कराया, सहा।
क्योंकि मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है मम्मा का अम्बा का। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप नहीं आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है, बाप से ही लव है और घर से भी लव है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो खुशी होनी चाहिए ना। और देखो तुम हो बिल्कुल साधारण, एकदम साधारण। दुनिया को पता ही नहीं है कि बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती ही है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है तो तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है, घर तो सभी को जाना ही है, बाप तो सभी को कहेंगे ना। बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखलाने आया हूं। तो क्या मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? अगर कोई कहे नहीं चलूंगा तो क्या होगा? तो फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, तुमको बहुत घाटा पड़ेगा। ये है बेहद का घाटा, वो तो हद का घाटा पड़ता ना, देवाला मारते हैं, वो हद का घाटा। और ये है बेहद का। बेहद का कैसे? केवल एक जन्म का घाटा नहीं, जन्म जन्म कलप कलप का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट बन, ओबीडियंट माना आज्ञाकारी बन, सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है। बायोस्कोप नहीं देखना है। वरदान, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हरेक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। जैसे मधुबन में आते हैं ये महसूस होता है, वैसे हर सेवा केंद्र पर भी ये महसूस हो। स्लोगन, वरदानी बन,
शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो।